हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मस्त रहो और स्वस्थ रहो। तो आज हम हमारी दुकान पे आ गए हैं जहाँ मेरे पापा काम करते हैं। तो ये रही वो दुकान, मैं आपको बताता हूँ। ये रही, देखिए ये मेरी दुकान है, ये जहाँ पे सामान रहता है थोड़ा बहुत, ये सामान रहता है जहाँ ये औजार वजार हथियार वथियार रहते हैं, ये हथियार वथियार रहते हैं, मशीन वगैरह, और ये लकड़ी वगैरह है जिससे दरवाजे खिड़की बनते हैं, और ये मशीन है, बड़ी बड़ी मशीन है, देख सकते हैं आप। ये मशीन है, आप देख सकते हैं आप, जिससे पूरा लकड़ी का डाई वगैरह सब पूरी दरवाज़ा बनता है। तो मेरे पापा ने दरवाज़ा बनाया है, देखिए आप। और थोड़े बहुत ये सामान पड़े हैं, पलंग पड़े हुए हैं, और ऐसी कुछ है मेरी दुकान। तो आइए मैं आपको कुछ बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे सामान लेने आया था, तो मैंने घर से लोगों ने स्टार्ट किया क्योंकि मैं घर पे किसी को बताता है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है। तो लेते हैं मशीन और चलते हैं। मेरे आप लोगों से विनती है कि जो लोग भी मेरे वहाँ वीडियो देख रहे हैं यानी ब्लॉग देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज़, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से मैं कुछ कर सकता हूँ। यदि आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मेरा कुछ भी नहीं हो पाएगा। प्लीज़ आपसे बहुत निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको बता दूं कि मैं आज नहाया धोया कुछ भी नहीं हूँ और सीधे उठ के मैं सीधे मशीन लेने आ गया हूँ। तो घर जाते हैं, नहाते धोते हैं, खाना खाते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है, जैसा आप लोग में देखते ही। तो भाई साहब मशीन लेके निकल चुके हैं, तो देखिए रास्ते का व्यू कैसा क्या है। तो गाइस हम घर पहुंच चुके हैं, नहा धो के रेडी हो चुके हैं, और मैं आपको अब मेरा स्टूडियो दिखाना चाहता हूं। तो चलो अपना स्टूडियो देखते हैं और वापस आते हैं। फाइनली गाइस ये रहा मेरा स्टूडियो। दोस्तों मेरा स्टूडियो नहीं है, मैं तो अभी सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये भी मोबाइल है, मैं इससे 6 GB 128 GB का रैम है, मैं इससे अपना व्लॉग रिकॉर्ड करता हूँ। और मेरा अभी तक कोई स्टूडियो नहीं है, मैंने अभी अभी ये चैनल न्यू खोला है। तो प्लीज़ सपोर्ट करोगे तो मैं आपको मेरा स्टूडियो बनवा के भी दिखा दूंगा फ्यूचर में, जब भी बनेगा तो हम इसी को ही बनाएंगे अपना स्टूडियो। देख सकते हैं अपन यहाँ पर ही बनाएंगे स्टूडियो अपना। यहाँ पे तो थोड़े बहुत कपड़े सूख गए, यहीं पर बनवाएंगे अपना स्टूडियो। यहाँ पे सामान सब हट जाएगा तो यहीं पे स्टूडियो बनेगा। तो फ्यूचर में यदि मेरे सब्सक्राइबर अच्छे हो गए, कुछ भी अच्छा हुआ, तो अपन यहीं पे अपना स्टूडियो बनाएंगे। स्टूडियो देखा था जो बना नहीं, मेरे मजाक किया था कि मैं आपको स्टूडियो दिखाऊंगा, वैसे मेरा स्टूडियो अभी तक बना नहीं है। मेरे स्टूडियो नहीं, मेरे पास सिर्फ ओनली ट्रैमपॉड पे कुछ भी नहीं है, मैं अपन रिकॉर्ड करने सिर्फ ओनली एक मोबाइल है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।